चलिए आज हम आगे का टॉपिक देखेंगे कि दो कर लिए उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। आज हम थर्ड नंबर देखेंगे शब्द भेद कि किस आधार पर वर्गीकरण किया गया था, अर्थ के आधार पर। इससे समझेंगे हम अर्थ के आधार पर, ठीक है, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा में कुछ शब्द विदेशी भाषा से आए हैं, कुछ संस्कृत भाषा से आए हैं, ठीक है, और कुछ मूल रूप में ही रहते हैं, जैसे संस्कृत के हैं तो संस्कृत में ही, और कुछ हिंदी भाषा में परिवर्तन करके लिखे जाते हैं। तो शब्दकोश में बहुत सारे ऐसे शब्द है, तो उनको क्या है, अर्थ के आधार पर भी बांटा जाता है। अर्थ के आधार पर कैसे बांटेंगे, अर्थ के आधार पर हम इसे चार भागों में बांटा है, ठीक है। अर्थ मतलब कोई शब्द है, अपना अर्थ देता है। अर्थ देता है मतलब कि कोई तो विलोम अर्थ देता है, विपरीत अर्थ बताता है एक दूसरे का, ठीक है। रात का दिन अर्थ बता रहा है, कैसा, विपरीत अर्थ बता रहा है। कोई होता है पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द है ना, कोई शब्द का जैसे पर्यायवाची शब्द समान अर्थ बता रहा है, समान अर्थ बता रहा है, मतलब जल, जल को हम पानी भी कह देते हैं, है ना, नीर भी कह देते हैं, वारी भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही बादल, बादल को हम क्या क्या कह देते हैं, पयोधर, है ना। चलिए शब्द देखिए, चार प्रकार के होते हैं, पर्यायवाची, रात, रात के भी बहुत सारे समान अर्थ होते हैं, ठीक है। इस तरह पर्यायवाची क्या होते हैं, समान अर्थ बताते हैं, ठीक है। सेकंड है विलोम शब्द, यानी हमें विपरीत अर्थ बताएंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विपरीत अर्थ बताते हैं, ठीक है। और कुछ शब्द हिंदी में कैसे होते हैं, एक अर्थी शब्द। एक अर्थी मतलब जिसका दूसरा कोई अर्थ नहीं होता, वो उसी अर्थ में जाने जाते हैं, ठीक है। एक अर्थी मतलब कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसमें अर्थ उसका एक ही रहता है, वह चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है, उसको उसके उसी रूप में जाना जाता है, वो होता है एक अर्थी शब्द। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी भाषा में जिसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी नाम में ही पता है, अनेक अर्थ निकलेंगे, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी भाषा में, शब्दकोश में, कि जिसके अर्थ क्या है, अलग अलग निकलेंगे। अलग अलग निकलने का मतलब है, मतलब वाक्य के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, ठीक है। तो वाक्य, परिस्थिति, समय के अनुसार क्या है, अर्थ बदलते रहेंगे। बदलने का मतलब क्या है कि जैसे आम, आम तो मैं कह दूं आम क्या है, आप सब बोलेंगे आम एक फल है, ठीक है, लेकिन मैं वाक्य के अनुसार देखो उसका अर्थ भी क्या है, कभी कभी चेंज होता है, कि वह तो हमेशा क्लास में प्रथम आता है, यह तो एक आम बात है। आम बात है मतलब वह तो एक होशियार बालक है, तभी तो हमेशा प्रथम आता है, मतलब यह तो क्या हो गई, उस बालक के लिए एक आम बात हो गई। आम मतलब सामान्य, तो वाक्य के अनुसार चेंज हुआ ना, तो वाक्य के अनुसार क्या है, कभी कभी अर्थ जो है एक ही शब्द के अलग अलग निकले। जहां अलग अलग अर्थ निकलेंगे वह होता है अनेकार्थी शब्द, ठीक है। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द में जैसे रात, रात के क्या होंगे, कई समान अर्थ निकलेंगे। पर्यायवाची का मतलब ही यही होता है कि समान अर्थ जहां निकले, ठीक है, रात के अलग अलग निकलेंगे। पृथ्वी, पृथ्वी को भी कितने सारे समान अर्थ है, पृथ्वी को हम धरती भी कह देते हैं, हम उसको जमीन भी कह देते हैं, उसको धरा भी कह देते हैं, वसुंधरा, है ना, धरा, वसुधा, तो ये क्या है, उसके समान अर्थ निकल रहे हैं, यानी हम जान रहे हैं, चाहे धरती बोलो चाहे जमीन बोलो, बात तो पृथ्वी की हो रही है, ठीक है। तो इस तरह क्या है, जहां समान अर्थ निकले वह क्या होता है, पर्यायवाची शब्द। इसे किसके आधार पर बांटा है हमने, अर्थ के आधार पर बांटा है। सेकंड है विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है विपरीत अर्थ देने वाला, विपरीत मतलब एक दूसरे का उल्टा, जैसे रात, रात का क्या हो जाएगा, दिन, गोरा काला, ऊंचा नीचा, ठीक है, ऊपर नीचे, पाप पुण्य, सच झूठ, जीवित मृत, ठीक है,
इस तरह बहुत सारे विलोम शब्द है जो एक दूसरे का हमें बिल्कुल उसके विपरीत उल्टा अर्थ देते हैं। तो वो कैसे होते हैं? वे अर्थ के आधार पर विलोम शब्द कहलाते हैं, विपरीत अर्थ देने वाले। ठीक है, थर्ड है एकार्थी शब्द। एकार्थी जहां एक ही अर्थ निकले, ठीक है, जैसे एक ही अर्थ निकले, यानी कोई भी शब्द है अहंकार कि उसमें बहुत अहंकार है, तो अहंकार का अब कोई ना तो समान अर्थ है ना कोई उसका मतलब अनेक अर्थ देने वाला भी कोई नहीं है। ठीक है, अनेकार्थी भी वह नहीं है कि उसका अहंकार का मतलब अहंकार ही होता है, घमंड ही होता है। ठीक स्वागत, तो स्वागत का कोई दूसरा अर्थ नहीं है, जहां दूसरा अर्थ नहीं निकलता ऐसे शब्द एकार्थी शब्द ही कहलाते हैं। ठीक है, कलंक, उत्तम, है ना, अच्छा, तो ये क्या है? एकार्थी शब्द कहलाते हैं क्योंकि उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता है। और अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द इसके बिल्कुल विपरीत हो जाता है। एकार्थी में तो एक ही अर्थ रहता है, जबकि अनेकार्थी में क्या है, अर्थ वाक्य बनाते समय, है ना, वाक्य बोलते समय या परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, जैसे मैंने आम का एग्जाम्पल दिया था आपको, वैसे ही एक अंबर, अंबर, अंबर क्या होता है, एक शब्द है अंबर, उसके अनेक अर्थ कैसे निकल के सामने आएंगे, अनेक अर्थ आएंगे कि अंबर को क्या कहा जाता है, अंबर का मतलब हम पर्यायवाची पढ़ चुके हैं, आकाश पढ़ चुके हैं ना, आकाश को क्या कहते हैं, अंबर कहते हैं ना, अंबर, तो आकाश को अंबर कहते हैं। दूसरा, और अंबर का क्या अर्थ होता है, इसके एकदम अलग अर्थ क्या होएगा आकाश के अलावा, वस्त्र। हमने कल पढ़ा था ना योग रूढ़ में, जैसे पीताम्बर, पीले वस्त्र धारण करने वाले कौन होते हैं, योग रूढ़ में हमने पढ़ा था, पीले वस्त्र जो धारण करे विष्णु भगवान, है ना, तो पीताम्बर, पीले वस्त्र पहनने वाले, अंबर मतलब वस्त्र, है ना, अंबर कपड़ों को भी कह दिया जाता है, वस्त्रों को। ठीक है, तो क्या है अनेकार्थी शब्द, यानी जहां शब्द के अलग अलग अर्थ वाक्य और परिस्थिति के अनुसार चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, वह कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। ये हमारा तीसरा भी आज शब्दों के वर्गीकरण। ठीक है, और इसके बाद चौथा, फोर नंबर क्या है यार, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और फोर नंबर है शब्दों को किस आधार पर बांटा है, प्रयोग के आधार पर। इसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर, यानी हमारे हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं, तो उनका क्या है, प्रयोग के आधार पर भी बांटेंगे हम उसको। प्रयोग के आधार पर कैसे बांटेंगे, कि प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य, सामान्य मतलब बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल कोई अपना विशेष अर्थ ना रखता हो, एकदम सामान्य मतलब जो चेंज ना होता हो, विशेष अर्थ भी ना देता हो, ऐसे सामान्य शब्द इस श्रेणी में आते हैं, प्रयोग के आधार पर बांटा है। दूसरा होता है पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक मतलब विशेष अर्थ देने वाला, एक तो होता है सामान्य और दूसरा होता है पारिभाषिक। सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द, ठीक है, सामान्य और पारिभाषिक शब्द। तो प्रयोग के आधार पर हमने शब्दों को दो भागों में बांटा है, सामान्य और दूसरा पारिभाषिक। ठीक है, तो सामान्य शब्द की परिभाषा देखिए कि वे शब्द जिनका संबंध सामान्य जनजीवन के साथ हो, ठीक है, और इसका प्रयोग मनुष्य दैनिक व्यवहार में करता है, जैसे सुबह, शाम, दाल, भात, यानी हम अपनी लैंग्वेज में मतलब बोलते समय कोई बात है कि भाई हाँ क्या बनाया, दाल भात, घर बाहर की बातें ऐसी होती है, सुबह शाम, ये तो सुबह शाम पढ़ाई करता है, सुबह शाम खेलता है ना, क्योंकि अभी स्कूलें चल नहीं रही, तो यही बात आम बोलचाल में हम ऐसे ही कहेंगे, ये तो सुबह शाम खेलता है ना, पढ़ाई करनी है नहीं, तो सुबह शाम, तो जो ऐसे एग्जाम्पल जो अपना विशेष अर्थ ना देते हो, विशेष अर्थ का मतलब ना उसमें कोई हमें संज्ञा का पता चल रहा है, ऐसे शब्द जिनमें ना हमें संज्ञा
ठीक है, ना हमें सर्वनाम, तो इनका पता चलता है। अविकारी शब्द कह दो या अविकारी शब्द, यानी जिन जिनसे कोई भी चेंज नहीं होता शब्द में, वाक्य में वैसे के वैसे प्रयोग किए जाते हैं, कि ऐसे शब्द जो ना संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बस नॉर्मल दैनिक व्यवहार में वो अपनाए जाते हैं, ना अपना कोई विशेष अर्थ देते हैं। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? सामान्य शब्द कहलाते हैं। और दूसरा दूसरा जो विकारी शब्द होते हैं, जैसे पारिभाषिक शब्द, जो कोई विशेष अर्थ जरूर देंगे, ठीक है, जिनको हम अपनी वाक्य में बोलेंगे तो उसमें क्या है, विशेष अर्थ जरूर निकल के सामने आएगा। विशेष अर्थ मतलब कि कोई भी, मतलब ज्ञान विज्ञान, विज्ञान का कोई भी नाम है, कि विज्ञान का कोई भी ले लो, ठीक है, नाम, तो उससे क्या है, व्यवसाय यानी कॉमर्स के क्षेत्र से कोई भी ले लो, बिजनेस, कंपनी, ऐसे कोई भी नाम ले लो, तो उन नामों से हमें पता चल रहा है कि ये व्यवसायिक बात है, ठीक है, उद्योग की बात है, और कारखाने, इस तरह के नाम से हमें, नामों से क्या पता चल रहा है। या कोई संज्ञा, संज्ञा का नाम ले लो, यह गाय काली है, काली क्या है, विशेषता है, तो विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ठीक है, लिंग, इन सब का अगर वाक्य के ऊपर प्रभाव पड़ता हो, यदि यदि प्रभाव पड़ेगा और अपना विशेष अर्थ देने वाले होंगे, तो क्योंकि इनके अनुसार क्या है, वाक्य में चेंज भी होएगा, यदि संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, तो इनके अनुसार क्या है, वाक्य चेंज भी होता है, तो वाक्य चेंज होता है तो क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, रसायन, भौतिकी, भूगोल, भूगोल से संबंधित, कि हाँ पृथ्वी गोल है, तो ये क्या है, ये भूगोल से संबंधित वाक्य है, तो इस तरह विशेष अर्थ यदि देने वाला होगा तो वो कैसा शब्द कहलाएगा, पारिभाषिक शब्द कहलाएगा। तो अर्थ के आधार पर कितने थे, अर्थ के आधार पर थे चार, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी और अनेकार्थी, और प्रयोग के आधार पर कितने शब्द हुए, सामान्य हुए, जो चेंज नहीं होते, वाक्य विशेष अर्थ नहीं देते, और पारिभाषिक में क्या है, अपना कोई विशेष अर्थ जरूर देते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, है ना, भूगोल, इतिहास, मतलब वाक्य के अनुसार या शब्दों के अनुसार हमें इतिहास का, ये वाक्य इतिहास से जुड़ा है, ये भूगोल से जुड़ा है ना, ये हमारे साइंस से जुड़ा है, तो इस तरह के विशेष अर्थ कोई ना कोई जरूर देगा शब्द, तो वो पारिभाषिक शब्द कहलाएगा। ठीक है, तो ये आज हमारा पाठ कंप्लीट हो गया है, हमने देखा, ठीक है, कि कैसे वर्णमाला का प्रयोग करके वर्णों के समूह को, है ना, सार्थक रूप से यदि जोड़ा जाए तो क्या है, शब्द बनता है। ठीक है, उसी सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्दों के फिर दो भेद देखे, एक ही सार्थक और दूसरा निरर्थक शब्द। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि उत्पत्ति के आधार पर चार भेद देखे, उत्पत्ति यानी उत्पत्ति मतलब स्रोत के आधार पर कितने थे, चार, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमने क्या देखा, रचना के आधार पर कितने थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, और थर्ड हमने देखा अर्थ के आधार पर, और फोर हमने देखा प्रयोग के आधार पर। तो ये आज हमारा शब्द विचार यही समाप्त होता है। ओके।